यूरोप अते दुनिया भर में लोटस टीवी देख देख मेरे सारे सूझबन दर्शकों नूं बड़े प्यार अते बड़े सत्कार दे नाल नमो बुद्धा जय भीम जय पुरबुद्ध भारत। लोटस टीवी जो कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी का मीडिया विंग है जिते जिसनों स्काई चैनल 772 के उत्ते कंछी टीवी के माध्यम राही देख रहे हो, जिस भी सारी दुनिया में भी आप इस ऑनलाइन देख सकते हो। जस्ट लॉग ऑन kanchitv.co.uk। आप सब बेनती है कि दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों लोटस टीवी देखण अते सहयोग देण दे लई जेकर प्रेरो, जेकर आप किसी तरह की सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके टीवी स्क्रीन के उपर चल रही इनफॉर्मेशन नू फॉलो करो। असी आप जी के बहुत बहुत धन्यवादी होवांगे। थैंक यू वेरी मच। अज के खास प्रोग्राम ते मैं मुल्क राय बद्दन आप जी की सेवा विच हाजिर होया हाँ। बुद्ध धर्म विच हर फुल मून डे की बड़ी महत्ता है। अज के फुल मून डे फुल मून डे दिया सारे जगत नू शुभकामनावां। असी बुद्ध धर्म संघ की कंपा नाल आप सब दे सुखी अते निरोगी रहने की कामना करते हाँ अते सारी दुनिया विच सुख अते शांति रहे इसकी भी कामना करते हाँ। अज की सेवा फुल मून डे की खुशी विच डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी दे बहुत ही सत्कारयोग मैंबर परगण मल अते मिसिज बंसो मल ने सेवा ली है। अज दे इस खास प्रोग्राम की सेवा बड़ी दूर तो सत समुंदर पार तो USA दे शहर लैस वेगस तो आई है। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सपोर्टर अते मानयोग नरेंद्र मल अते उन्हां दी धर्मपत्नी मिसिस निशा मल ने अपने लाडले बेटे मानयोग परगण मल अते मिसिस बंसो मल दे पोते तेजिंदर मल, जिसनूं बड़े प्यार नाल तेजी भी कहा जाता है, ते उन्हें 18वें जन्मदिन ते लोटस टीवी नूं भी अपनी खुशियां विच शामिल किया है। असी नरेंद्र मल अते उन्हां दे परिवार दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। जब भी नरेंद्र मल होणा दे बच्चों के जन्मदिन हुंदे हन वो लोटस टीवी ते सेवा लैके बड़ा माण महसूस करते हैं। तेजी का अज का जन्मदिन इस साल असी फुल मून डे उत्ते लोटस के उत्ते बड़े चावं बड़े उल्लास नाल मना रहे हाँ। सियाने अक्सर एक कहावत कहा करते सी, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हर साल की तरह इस साल भी तेजिंदर ने अपने स्कूल विच अव्वल नंबर लैके मल परिवार का नाम रोशन किया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू तेजी, वेल डन एंड कीप इट गोइंग। असी सारे ही बुद्ध धर्म संघ की कंपा नाल यही कामना करते हाँ कि तेजी इस तरह ही अपना अपने माँ बाप का दादा दादी का अते नाना नानी का नाम रोशन करता रहे। एजुकेशन की गुड़ती तेजी नूं अपने दादा जी मानयोग परगण मल अते परदादा बहुत ही सत्कारयोग चेतू राम मल वालों विरासत विच मिली है। मानयोग परगण मल जी 1961 विच FA तक कॉलेज की पढ़ाई करना बड़े ही माण की गल सी जी। ते तेजी दे परदादा जी श्रीमान योग चेतू राम जी पिंड दे गुरद्वारे विच महारिषि संत ठाकुरदास जी तो पढ़े अते संतां दी पढ़ाई दी सोच सब तो उन्हां दी उत्तम सोच सी। मानयोग चेतू राम ने पढ़ाई नूं बहुत तरजीह दित्ती। तेजी दे परदादा जी दी यही पढ़ाई कम आई। जदों कलकत्ते विच 4 नंबर विच व्यापार दे हिसाब किताब अते चिट्ठी पत्र लिखण लई कम आई। कोटी कोटी नमन अते कोटी कोटी प्रणाम उन्हां महापुरशां दी सोचां जिन्हां ने भगती दे नाल नाल पढ़ाई नूं भी पहल दित्ती। एक बार फिर तेजी नूं जन्मदिन दियां लख लख बधाइयां। वी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड विश यू वेरी वेरी लोंग एंड हैल्थी लाइफ। लोटस टीवी वल्लों मल परिवार दे असी एक बार फिर धन्नवादी हाँ। मल साहब तुहाडा बड़ी मेहरबानी जो आप जी ने यह प्रोग्राम की सेवा ली है। थैंक यू वेरी मच। अज दे फुल मून डे ते
एक होर खुशी लोटस टीवी के दर्शकों नाल सांझी करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी के एक फाउंडर मैंबर सत्कारयोग तरसेम कौल और गुरदेव कौल अपने पोते मिलिंद विजया दे लाडले पुत्र निकू कौल नू पहली बार ब्लैसिंग्स लई बुद्ध विहार लेके आए अते लोटस टीवी अते डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी वालों कौल परिवार नू बहुत बहुत बधाइयां अते जी वेलकम करते हाँ अते शुभकामनावां। असी बुद्ध धम्म संघ दी कंपा नाल इहो कामना करते हाँ कि निकू सदा ही तंदुरुस्त अते लंबी जिंदगी जीवे। प्रोग्राम नू अगे वधाउण तों पहलां मैं कुछ इनफॉर्मेशन सन जो मैं आप जी दे नाल सांझी करनी चाहुंदा हां। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भैन जी दिशो बंगड़ वाइफ ऑफ लेट साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मानयोग लाल चंद बंगड़ जी हुणा दे वल्लों 200 पाउंड लोटस टीवी नू अते 300 पाउंड बुद्ध विहार लई उन्होंने दान किया। असी लोटस टीवी वालों डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। आप जी का बड़ी मेहरबानी। जिस तरह आप सब जानते हो कि इस वर्षा बाद चल रहा है तो कठीना का फेस्टिवल आने वाला है। इस साल दी कठीना दी सेवा जो फेस्टिवल है वह साढ़े बड़े ही सत्कारयोग बड़े ही मानयोग देवलाल सुमन अते भैन जी बख्शो सुमन देवल दे परिवार वालों कठीना का विवाह चल रहा है तो देवलाल सुमन वालों भी ऐतकी दी कठीना का प्रोग्राम है। अते जे किसी ने कोई चीज वरदान करना हो तो तरसेम कौल जी नाल संपर्क किया जा सकता है। वो तुसी उन्होंने लिस्ट बनाई है उन्होंने नाल संपर्क करके अपना नाम लिखा के पेमेंट कर सकते हो। आप जी के बड़े धन्यवादी होवांगे। प्रोग्राम नू अगे वधाउण तो पहला साढ़े आए गैसट नाल आप जी की इंट्रोडक्शन कराई जाए। वैसे तो ये मेहमान किसी जान पहचान के मोहताज नहीं हैं। लोटस टीवी की जानी पछाणी शख्सियत अते सत्कारयोग यह हैं साढ़े बड़े सत्कारयोग देवलाल सुमन जी। तो सब तो पहला मैं देवलाल सुमन जी आप जी का लुट्स टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। तो अज दे फुल मून डे ते आप जी ने बहुत बहुत बधाइया। मैं आप जी का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि आप जी ने मेरी बेनती कबूल किया तो मेरे ना प्रोग्राम साझा करने लिए आए हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बदन साहब। नमो बुद्धा जय भीम। यूके यूरोप अते हो सारे देशों के लोटस टीवी देख रहे सारे ही सत्कारयोग दर्शकों नू बहुत ही प्यार ते सत्कार दे नाल नमो बुद्धा है जय भीम जय प्रबुद्ध भारत। जिस तरह के साडे मुल्कराज जी ने दस्या है कि अज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है कि श्रावण महीने की पुन्या पूर्णमासी अगस्त महीने का फुल मून डे जिहड़ा कि बहुत जगत दे विच इहदी बहुत ही महत्ता है। तो अज दे इस फुल मून डे ते आप सारे दर्शकों नू बहुत बहुत बधाइया दिंदा होया कामना करता हाँ कि विद द ब्लैसिंग ऑफ लॉर्ड बुद्ध धम्म संघ मे यू बी ऑल ब्लैसड विद द गुड हैल्थ एंड हैप्पीनैस मे देयर बी पीस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। वो नाल ही नाल जिस तरह उन्होंने दसिया कि अज इस फुल मून डे की खुशी दे विच इस श्रावण महीने दे पुन्या की खुशी दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग परगण मल जी अते भैन जी बंसो जी हुणा वल्लों अपने पोते दे जन्मदिन दा जो दे खुशी दे विच सेवा लई है जो कि अज 18 साल दे होया। बहुत ही खुशी वाला दिन है कि 18 साल दे होए हन ते उन्हां दे माता पिता नू मैं बधाई दिंदा हाँ। वो तेजिंदर मल तेजी जी नू उन्हां दे जन्मदिन दीआं बहुत बहुत बधाइयां। बाबा दादी जी नू बहुत बहुत बधाइयां। सारे मल परिवार नू बहुत बहुत बधाइयां। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे तेजिंदर जी with the blessing of Lord Buddha Dhamma Sangha may you have a very happy healthy peaceful long life may you be successful in every aspect of your life
मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उहदे नाल ही नाल एक होर खुशी दी गल तुसीं सांझी कीती है कि अज साडे बहुत ही सत्कारयोग परिवार कौल परिवार दे विच जो खुशी होई आई है और इधर मुल्कराज बद्दन जी इन्हां दे परिवार दे विच इन्हां नूं दोहता लाभ होया सी ते कौल परिवार नूं पोता लाभ होया कि साडे विजया कौल ते मलिंद कौल जी दे उन्हां नूं पुत्तर लाभ होया ते उन्हां दी खुशी दे विच अज उह बच्चे नूं इस बहुत ही वधिया दिन दे उपर बुद्ध विहार दे विच लै के पंते हुणां दी ब्लैसिंग वास्ते लै के आए सन ते मैं उन्हां नूं सारे परिवार नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ ते बच्चे वास्ते शुभकामनावां करदा हाँ कि वह साडा बच्चा भी तंदुरुस्त रहे सुखी ते निरोगी रहे विद दी ब्लैसिंग ऑफ लॉर्ड बुद्ध दम संघ मे ही बी ब्लैसड विद दी गुड हैल्थ एंड हैप्पीनैस। थैंक यू सुमन साहब, थैंक यू वेरी मच। सन अपन इस प्रोग्राम नूं अगे बताउंदे हां इत्थों पहलां मैं अज दे इस बहुत ही इंपोर्टेंट डे दे लई मैं आप जी नाल विचार सांझे करना चाहुंदा जी कि अज दा जो फुल मून डे है जी वरसावाद दा उहदी की महत्ता हैगी है ना, उह तुसीं किस तरह दी व्याख्या करदे? बहुत ही तुसीं वधिया सवाल कीता क्योंकि जदों भी कोई आपां दिन मनाउंदे आ उहदे बारे सानूं जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तथागत भगवान बुद्ध कहिंदे हन किसे चीज़ नूं उन्ना चिकर ना मन्नो जिन्ना चिकर तुहानूं उहदे बारे पूरी जानकारी ना होवे, जिन्ना चिर तुहानूं उहदा अनुभव ना होवे। ते इह वधिया सवाल है क्योंकि जिस तरह कि पिछले महीने तो हाड़ दी पुन्निया नूं वरसावाद शुरू होया सी, जिहड़ा कि बहुत जगत दे विच बुद्ध धम दे विच बहुत ही महत्व रखदा है। ते इह जो हाड़ दा महीना सी उहदे हाड़ दी पुन्निया नूं तथागत भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जी सारनाथ मिगदया बनारस दे विच दे के उन्हां पंज वग्गियां भिखुआं नूं पहला संदेश दित्ता सी, तां उहनूं तम चक पवत्तन सुत दे नाल जाणिया जांदा सी। उस तम पवत्त सुत तों बाद तथागत भगवान बुद्ध ने जो पहली वरसावाद जो कीती सी ते उह वी उन्हां ने सारनाथ मिगदया बनारस विच इसी पटन दे विच कीती सीगी। तां इहदे ते उस तों बाद जो आ एक महीना पूरा हो गया है ते वरसावाद दे विच तीन महीने हुंदे हन ते अज वरसावाद दा एक महीना कंप्लीट हो गया है ते दूसरा महीना शुरू होया श्रावण महीने दी पूर्णिमा, जिहदियां आप सब नूं बहुत बहुत बधाइयां। एक मैं इत्थे जरूर अपने दर्शकां नूं दसदा जावां कि जो बुद्ध जो भी पूर्णिमा जो पुन्निया है इहदा बहुत ही महत्व है बौद्ध धम दे विच, क्योंकि जिस तरह एक काली रात नूं एक चंद्रमा पूरा एक प्रकाश दे विच बदल दिंदा है, इसी तरह तथागत भगवान बुद्ध दी बाणी उन्हां दीआं सिख्यावां अगर असीं उन्हां नूं पढ़ के उन्हां नूं अपने उतार के उहदे धम दे उप्पर प्रैक्टिस करके अपने जीवन दे अंधेरे नूं भी दूर कर सकदे हां। ते इस करके जो फुल मून डे है फुल पूर्णिमा है इहदा बहुत बहुत महत्व है। उहदे नाल नाल दसदा जावां कि बहुत सारियां घटनावां जो तथागत भगवान बुद्ध दे समें दीआं है वापरियां सी उह ज़्यादा करके फुल मून डे वाले दिन वापरियां सी। ते आ श्रावण दा महीना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इहदी मैं दसदा जावां कि इस पूर्णिमा वाले दिन तथागत भगवान बुद्ध दे महापरिनिर्वाण तों बाद पंते महाकश्यप जी जिहड़े कि उहनां दे बहुत ही सीनियर पंते सी उन्हां ने पहली संघा कौंसल दी संगति कीती सी, जिस विच पंते महानंद जी पंते महापाली जी अते 500 अरहत भिखुआं ने शिरकत कीती सी। तां इत्थे मैं होर दसदा जावां अपने बद्दन जी ते पंते महानंद ने सुत पिटका दा संगायन कीता सी। अज जो सानूं त्रिपिटका दे विच जो सुत पिटका आया उह जो अज सानूं मिल रही आ उह पंते महानंद जी दे उहनां दी मैमरी इन्नी सी ते उह तथागत भगवान बुद्ध दे नाल सब तो ज़्यादा चिर उहदे नाल उहनां दे नाल रहे सी, तां उहनां ने जिहड़ियां वी अपनी सिख्यावां सी उहनां ने अपने मूँह जवानी उहनूं याद करके तां अज दे दिन श्रावण दी पुन्निया नूं 500 अरहत भिखुआं दे सामने उहनां दा रिसाइट कीता सी उच्चारण कीता सी, तां उत्थे फिर उहनां नूं इहनूं मानता मिली सी सुत पिटका दी। ते उहदे नाल नाल पंते महापाली जी ने विनय पिटका दा संगायन कीता सी कि जिस तरह कि भिक्षुआं दे 227 निजम ने साडे लई पंचशील है भिक्षुआं वास्ते 227 निजम ने, तां उहनां ने उहदा संगायन कीता सी। इस करके आज श्रावण दी पुन्निया दा
बहुत ही महत्व है। वो नाल नाल होर दसदा जावां कि तथागत भगवान बुद्ध ने इसी पूर्णिमा वाले दिन जेतवन जो अनाथ पिंडिक्स द्वारा दान किया होया विहार सी अपने 14वें वर्षावाद के समय तो उन्होंने राहुल जिहड़ा कि उन्होंने पुत्र सी जी उन्होंने भी रोब ले लिया सी भिखू बन गए सी उन्होंने साधना बारे अपने तम उपदेश दिते सी मैडीटेशन बारे उन्होंने दस्या सी तो जिसनू राहुल वाद नाल जाणिया जांदा राहुल वाद सुत तो इस तम उपदेश विच राहुल सुत सुन तो बाद राहुल जो है वह अरहत की अवस्था नू प्राप्त हो गए सन उन्होंने अरहत प्राप्त हो गया सी ते पंते राहुल नू जीवन की अनितता बारे उत्ते साधना करना मैडिटेशन करने बारे उपदेश दिता सी ते ए जड़ी गाथा उत्ते उन्होंने उच्चारण की सी उहदा सभे संखारा निचाती जद पन्या पस्ती अथ नविंदती दुखे ऐस मगो बसुदिया ये गाथा उच्चारण करके यदा मतलब आ कि सभे संखारा निचती एवरीथिंग इन इज इम्परमानेंट ये संसार जो है नित है इम्परमानेंट है जद पन्या पस्ती जदों असी अपने ज्ञान दे नाल पन्या दे नाल उन्हों जान लेने हाँ अथ नविंदती दुखे ते साडे सारे दुख जड़े आ वो दूर हो जाते हैं ऐसा मगो बिशुद्धि आ यही तथागत भगवान बुद्ध का शुद्ध मार्ग है। तो ये जो राहुल वाद सुत सी ये तथागत भगवान बुद्ध ने राहुल नू उपदेश दे के तो उन्होंने अरहत प्राप्त हुई सी। तो ये नाल नाल एक होर महत्वपूर्ण घटना घटी सी ये श्रावण की पुन्या वाले दिन जो उंगली माल डाकू जड़ा के लोगों के कतल करके तो उन्होंने उंगली वढ़ के अपने गल दे विच पा लैंदा सी तो इस करके उहदी माला बनाई हुई सी तो वो इस करके उहदा नाम उंगली माल रख्या सी। तो वो चाहुंदा सी कि मैं 1000 लोगों का कतल करके तो उहदे 1000 माला उंगलियां पावां तो उहदे 999 हो गई सी। तो लेकिन सारी श्रावस्ती दे विच एक बहुत ही डर का माहौल सी सारे लोग डरन लगे तो उन्होंने राजा प्रसंजित को बेनती की लेकिन वो काबू नहीं आ रहा सी। राजा प्रसंजित जड़े आ वो फिर तथागत भगवान बुद्ध को जाते हैं कि भी तो बड़ा उदास आ तो पुछते कि तुसी उदास क्यों आ तो वो फिर दसते हैं कि भी इतने एक डाकू आ वो काबू नहीं आ रहा। तो उदों बरसातों का दिन से अजो वर्षा वाद आ तो तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती ठहरे हुए से तो वह फिर सवेरे उठे अपना चीवर पहनया भिख्या पात्र लैके तो उस रास्ते गए जिथे उंगली माल डाकू सी। तो जब उंगली माल डाकू ने देखा तो उन्होंने बड़ी खुशी हुई कि बई हूँ मेरी 1000 उंगलियां जड़ियाँ पूरियां हो जानियां। तो तथागत भगवान बुद्ध दे पिछे पिछे जाता लेकिन तथागत बुद्ध जड़े आदे काबू नहीं आते तो वह उन्होंने कहते उंगली माल कहता वो श्रमण रुख तो तथागत भगवान बुद्ध कहते वो उंगली माल मैं तो रुक गया तू रुक जा। तो फिर उन्होंने उपदेश देंदे उत्थे तो जो उपदेश देंदे तो उन्होंने उपदेश सुन के उंगली माल डाकू ने अपनी तलवार सुट दी तो उन्होंने चरणों के शीश नवा के वंदना करके तो कहते कि ये तथागत मैनू अपने अपने संघ दे विच मैनू लै लो मैं थोड़ी शर बुद्ध की शरण जाना मैं तम की शरण जाना संघ की। तो इस दिन उंगली माल की दीक्षा हुई सी तो यह इंपोर्टेंस आ वर्षावाद की तो इस श्रावण महीने की पुन्या की। तो ये थैंक यू ये जी तुम कथावा गल की भगवान बुद्ध ने कथावान का उच्चारण जोड़ा सी कदों किया अज फुल मून डे है अज आप धम्मपद दे विचों गाथावां लवांगे कि जड़ियां कि तथागत भगवान बुद्ध ने अपने मुख तो उच्चारण कीतियां सी उह धम्मपद दे विच दर्ज हन जिहदे विच 423 गाथावां ने ते 26 वग दे विच 26 हिस्सियां दे विच
उन्हां नूं वंडिया गया है। तो 305 समयां ते तथागत भगवान बुद्ध ने यह गाथा का उच्चारण किया। अज असी जिहड़े बग की गल करांगे वह तमपद दे विच 15वां बग सुख बग, क्योंकि अज बहुत ही खुशियां दा दिन है, फुल मून डे है, सुख बग हैप्पीनैस कि सुख किदां प्राप्त किया जा सकता है, तुसी सुखी किदां रह सकते हैं, तुसी लड़ाइयां झगड़ियां तो किदां बच सकते हैं। तो तथागत भगवान बुद्ध ये सुख बग दे सुख बग दे 15वें बग जिहड़ा है उहदी 197वीं गाथा दे विच सानूं ये गाथा उच्चारण करदे आ। तो मैं अपने दर्शकों के नाल उह गाथा सांझी करांगा। सुसुखं बत जीवम वैरी नेसु अवैरिनो, वैरी नेसु मनुष्य सेसु बेहराम अवैरिना। इहदा मतलब आ कि असी बैरियां विच बैर तो रहत हो के रहिंदे हाँ तो असी सुखी रहिंदे हाँ, असी दुश्मनां विच दुश्मनी रहत हो के रहिंदे हाँ तो असी सुखी रहिंदे हाँ, असी बैरी मनुखां विच बिना बैर दे विहार करते हाँ तो असी खुश रहिंदे हाँ। अंग्रेजी दे विच इहदा मीनिंग है हैप्पी डू वी लिव विदाउट हेट अमंगस द हेटफुल, अमंगस द हेटफुल मैन वी डवेल अनहेटिंग। जड़ी दूसरी गाथा 198वीं गाथा जड़ी सुख बग दी आ उहदे विच कहिंदे आ सुसखं बत जीवम आतुरेसु अनातुरा, आतुरेसु मनुष्य सेसु विहराम अनातुरा। इहदा मीनिंग आ रोगियां विच रोग रहत हो के चंगी सेहत नाल असी सुखपूर्वक खुश रहिंदे हाँ, रोगी मनुखां विच असी चंगे स्वार्थ वाले सेहत वाले बन के जदों विहार करते हाँ तो असी सुखी रहिंदे हाँ, खुश रहिंदे हाँ। आ हैप्पली वी डू लिव इन अ गुड हैल्थ अमंगस द एलिंग, अमिडस्ट एलिंग मैन वी डवेल इन गुड हैल्थ। असी अपनी चंगी सेहत दे नाल उत्थे विहार करते हाँ। तो तीसरी जिहड़ी गाथा आ सुख बग दी सुसंगत जीवन उसुकेसु अनुसुका, उसुकेसु मनुष्य सेसु विहराम अनुसुसका। इहदा मीनिंग आ कामनावां काम वाशनावां वालियां दरम्यान असी काम वाशनावां तो रहत हो के उहनां दे विच जदों विहार करदे आ असी खुश रहिंदे आ, अपना सुखपूर्वक जीवन जीउंदे हाँ। काम वाशनावां वाले मनुखां विच असी कामनावां वाशनावां तो रहत हो के विहार करदे हाँ तो असी खुश रहिंदे हाँ। आह हैप्पली डू वी लिव विदाउट यर्निंग फॉर सेंसुअल प्लेजर्स, अमंगस दोज हू यर्न फॉर सेंसुअल प्लेजर्स, विदिस दोज हू यर्न फॉर सेंसुअल प्लेजर वी डवेल विदाउट यर्निंग सेंसुअल प्लेजर्स। ये गाथा जिहड़ियां सी तथागत भगवान बुद्ध ने जिहड़ी भी गाथा कही है वो उहदा मीनिंग सी वो देखदे सी कि किस तरह के व्यक्ति आ, किस तरह के लोग है, उस हिसाब नाल उहनां दी मानसिक स्थिति नूं देख के गाथावां बोलदे सी जी। तो ये गाथा जिद्दां तुसीं कहा भी किस समय कही आ जी, तो उहदे जिस तरह कि आपनूं पता ही है कि जदों तथागत भगवान बुद्ध जदों मतलब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम सी उदों साक्या ते कोहलिया दे विच झगड़ा जी दा होण वाला सी, युद्ध होण वाला सी, तां उहनां ने ग्रह त्याग कर दित्ता सी, कहिंदे सी युद्ध नहीं चाहीदा। तां एक वारी जदों फिर तथा सिद्धार्थ गौतम तो तथागत भगवान बुद्ध बने जदों उहनां नूं बुद्धता प्राप्त होई तो फिर साक्या ते कोहलिया गणराज विच रोहिणी नदी तो दोनों राज्यां दे विच पाणी दी सिंचाई करदे हुंदे सी। तां एक वार बरसात ना होण करके सोका पिया होया सी, कोहलिया राज दे किसानां ने रोहिणी नदी का पानी अपनियां फसलां नूं जमीन वल नूं मोड़ लिया जी। तो लेकिन जिहड़े साक्या सी उहनां दीआं भी फसलां सुक रहियां सी, जदकि पानी लैण दी वारी जिहड़ी सी साक्या दी सी जी। साक्या दे किसान जिहड़े सीगे उधरों कोहलिया दे किसान सीगे वो सारे नदी दे उत्ते कट्ठे हो गए ते कोहलिया किसानां नाल आपस विच झगड़ा हो गया। तो एक किसानां दा विवाद दोनों गणराज्यां दे नौकरां तक पहुँचया
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪੰਸਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਕਿਆ ਵੱਲੋਂ ਉੱਧਰ ਕੋਹਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਆ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਹਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਹਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਿਆ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਰੋਹਣੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਕਿਆ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹਿਰ ਰਹਿਤ ਹੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਰ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਵੈਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵੈਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੋ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤਾਵਲੇ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੋ, ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗਾਥਾਵਾਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਹਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਕਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਹਣੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣੋਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਕੁ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਸੱਲਨ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਸੱਲਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਮੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਮੀ, ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ
ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਰਾਮਪਾਲ ਝੱਲੀ ਅਤੇ ਮਿੰਦੋ ਝੱਲੀ ਡਾਰਲਿਸਟਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਸੁਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ ਦੇਬੋ ਕੌਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਸ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਬਖਸ਼ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬਚਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੱਸਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਦਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਜੱਸਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਪਾਲੋ ਮਹਿਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ 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 ਮਹਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕੇਐਲ ਚਾਂਦ ਜੀ ਬਿਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਬਿਮਲਾ ਰੱਤੂ ਦੇ ਲੜਕਾ ਸੰਜੇ ਰੱਤੂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸੰਜੇ ਰੱਤੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਿਮਲਾ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰੱਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਨਾ ਮਹੇ ਫੁੱਲਮੂਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹੈਲੋ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਲੋਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬੈਰਗੋਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੋਧ ਜੀ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜੀ ਇਹ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ ਆਏ ਆ ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੀ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਜੀ 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 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੋਧ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਆਪ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਕਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਉਸਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਜੀ ਦੁੱਖ ਕਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਸਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
जिहड़ा कि मतलब दुनिया के क्यों झगड़े हो रहे हैं तो आ गाथा जी सुख वग दे उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध ने उच्चारण की आ ये मैं जरूर साडे दर्शकों के नाल सांझी करना चाहवांगा पाली लैंग्वेज दे विच आ उहदा आपां पंजाबी दे विच भी अर्थ करते हैं जी। जयं बैरंग पसवती दुखं सेती पराजितो उपसंतो सुखं सेती हितवा जया प्राजयंग। इहदा मतलब आ कि जित बैर नूं जन्म दिंदी है, हारिया होया मनुख दुखी रहिंदा है, दुख दी नींद सौंदा है, पर जिस दे राग दोष शांत हन वो मनुख जित हार नूं छड्ड के सुखपूर्वक जीवन बतीत करदा है, सुख दी नींद सौंदा है। विक्टरी ब्रीड हेट्रड द डिफीटर लिव इन पेन हैप्पली द लिव पीसफुल हु गिविंग अप विक्टरी एंड डिफीट। ये उस समय की गल है कि जदों राजा कौशल प्रसंजित आजाद शत्रु के हथों युद्ध विच हार गए सन, मेरे ख्याल लाइव कॉल आ रही है, लाइव कॉल ले लो। हेलो 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 नमो बुद्धा जयपीम जी, कौन तक कौन सा बोल रहे हैं? जयपीम जी मैं कीर्तन चौहान बोल रहा हूं बर्मिंघम तो। नमो बुद्धा जयपीम जी, देखो आज जिहड़ा फुल मून है उत्ते मैं बहुत बधाई पेश करना, क्योंकि जिहड़ा फुल मून है ये तथागत बुद्ध दे वक्त तो ही, क्योंकि जिहड़ा उन्हां दा जन्म ज्ञान प्राप्ति परिनिर्वाण इस दिन ते होया सी। पर ये फिर इस तरह इस दिन की महत्ता वध गई भी जिहड़ा कोई भी मानव आ जे वो अपने मन नू साधना करे तो उहदे ज्ञान विच ही आ जी, पर उहनू मतलब है ध्यान लाउणा पैंदा जी जी, क्योंकि आम लोग दस्या जांदा सी जिहड़े दूसरे लोग सी उह ये लोकां नू कहिंदे सी वी तुसीं स्वर्ग की प्राप्ति करनी जां 84 लाख तो किदां बचना जी, पर बुद्ध ने कहा भी तुहाडे विच ज्ञान आ पर वह ज्ञान का एहसास करना पैंदा। देखो जिस वेले उन्हीं मतलब उन्हां दा दम जिहड़ा सारी दुनिया च गया तो देख वो सारी दुनिया नू पता लगा भी ये की चीज़ आ, ये विचारधारा आ, ये ज्ञान आ जी, और ज्ञान तो बाद विज्ञान आ जी, जे ज्ञान नहीं फिर विज्ञान भी नहीं जी। हुण मैं इत्थे दसना चाहुंदा भी जिहड़ा बर्मिंघम शहर आ जी, इत्थे दा एक महान व्यक्ति होया मैथ्यू बोल्टन जी, क्योंकि उहदे कोल पैसे भी सी तो उन्हें कहा भी असीं क्यों लोकां क्यों ना लोकां दे भले लई इत्थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आईए, तो उन्हें जानी अपना एक घर बनाया इत्थे हैंडवर्थे विच सोहो हाउस 1766 दे विच जी। उत्थे उन पढ़े लिखे विज्ञानियों की मीटिंग करता सी ते उन्हें कहा भी फुल मून ते मीटिंग करिया करनी है भी फुल मून ते तुसीं उत्थे इकट्ठे होया करो जी। सोसायटी का नाम उन्हें ल्यूनर सोसायटी रखिया जी, हुण उह बहुते लोग विजिट करते हैं हाँ जी, सारी दुनिया तो आउंदे तो उत्थे विजिट करते हैं जी जी। तुसीं देखो भी जदों उत्थे लोग लग पए आउण तां जिहड़ा जेम्स वाट आ उह स्कॉटलैंड दे विच सी जी, उन्हें जानी कहा भी मैनू दूर पैंदा बहुत मैनू पैसे दे दे जी, उन्हें कहा कोई दूर नहीं तू इत्थे आ जा। तुसीं देखो भी जेम्स वाट विलियम मर्डक वो आ गया, उन्हें देखो किदां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लियांदा बिल्कुल, स्टीम इंजन होर जिन्नियां उन्हें काढ़ां कढ़ियां जी। तो जोसफ प्रीस्टली बारे मैं दसना चाहना भी वह लीड्स के लागे निका जिहा टाउन आ वारिंगटन उत्थे पैदा होया सी जी, जब उन्हें पता लगा वह भी फिर इत्थे आ गया जी जी, यानी वो जब मीटिंगा करते सी एक दूसरे नूं दसदे सी वे केड़ी केड़ी कार्ड कढ लई आ जी। तुसीं देखो वे इत्थे तां दीवे इत्थे भी बालदे सी जी, इत्थे कोई जानी रेवोल्यूशन नहीं सी जी, वो नाल दी नाल रेवोल्यूशन आउंदा रहा। पर वो जोसफ प्रीस्टली ने जिहड़ी हुण ऑक्सीजन आ ना आ जिहड़ी कोरोना लई तुसीं देखो किन्नी इहदी लोड़ आ, इहदी हुण कार्ड कट्टी मेडिकल ऑक्सीजन हाँ जी हाँ, उहने कार्ड कट्टी 1 अगस्त 1774 जी, यानी हुण उन्हां नूं सोसाइटी नूं दस्सिया भी आ कार्ड कर ले तुसीं देखो भी जिहड़ी ऑक्सीजन दी किन्नी वरतों आ जी जी जी, ये जो कुछ भी होया ज्ञान नाल ही होया बिल्कुल, क्योंकि बुद्ध धर्म दा अर्थ ही ज्ञान आ, ज्ञान दे नाल विज्ञान आ जी जी, ते मालूम दा कल्याण ही इहदे विच होना, इस करके बहुत इस दिन दी महत्ता है। जय भीम नमो बुद्ध। नमो बुद्ध जी, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच थोड़ी हाँ जी तुम हाँ वो जी गाथा सी वो कहते जित बैर नू जन्म दिंदी है हारिया होया मनुख दुखी रहिंदा है दुख की नींद सौंदा है पर जिस दे राग आदि दोष शांत हन वो मनुख जित हार नू छड़ के सुखपूर्वक जीवन बतीत करता है सुख की नींद सौंदा है। तो यह गल उस समय की है कि जदों कौशल का राजा प्रसंजित उदी आजाद शत्रु जो कि उसका भांजा लगता सी बिंबीसर ते बदेहा जिहड़ी बदेहा सी वो राजा कौंसल दी दी सिस्टर सी ते बिंबीसार दा पुत्र जिहड़ा आजाद शत्रु सी ते उहदे नाल जदों राजा प्रसंजित दा युद्ध होया तो वो उनू राजा प्रसंजित नू जिहड़ा आजाद शत्रु सी उसने उनू हरा दिता। तीन वारी उन्होंने नाल युद्ध होया तो उन्हें बड़ा दुखी होया प्रसंजित तो वह अपने भांजे हथों हार गया तीन लड़ाइया लड़िया तो प्रसंजित नू इन्नी शर्मिंदगी महसूस होंगी है जिदा मैं दस्या कि हारिया होया दुखी हुंदा जी होई बहुत ही अदास हो गया एक हार दी चार तरफों सारे पासे लोगों में गल्लां होण लग पईआं एक दुध चुंघ दे बच्चे हथों हार गया उसके मन में बार बार ये ख्याल आता प्रसंजित दे भी मैं अपने भांजे छोटे जे बालक तो हार गया मेरे वास्ते बेइज्जती वाली गल है बेहतर है कि मैं मर ही जावां उसकी उन्होंने नींद ना आँदी उन्हें खाना पीना छड्ड दिता प्रसंजित ने तो बिस्तर से बीमार पै गया तो जदों तथागत भगवान बुद्ध नूं इस बारे पता लगा तो उन्होंने भिखू संघ नूं उपदेश दिता तो प्रसंजित नूं समझाया भिखू जितने वाले दे मन विच दुश्मनी अते नफरत पैदा हुंदी है जितदा होया वो बैर नूं उत्पन्न करता है जो हारदा है वह उदासी ते डिप्रैशन दुख दे संताप नाल ग्रस्त हो जाता है जिसका राजा प्रसंजित होया जी जित बैर नूं जन्म दिंदी है हारिया होया मनुख दुख की नींद सौंदा है जिस मनुख दे जित अते हार नूं त्याग दिता है वह शांत हो के सुख की नींद सौंदा है जिस दे राग द्वेष आदि दोष शांत हो जाते हैं वह मनुख जित हार नूं छड्ड के सुख की नींद सौंदा है। तो यह गाथा जिहड़ी आ उन्होंने सुख वग दे विच इह कही अगर तुसीं सुख प्राप्त करना आ तो थानू मतलब ये जित जां हार इहदा त्याग करना पवेगा तो फिर सानू जमक वग दे विच समझाउंदे हन अकोची मंग अबद्धी मंग अहस अजिनी मंग हहासी में जे तंग उप निहांती बैरंग ते संग न सम्मति कहिंदा ही अब्यूज्ड मी ही बीट मी ही डिफीटेड मी ही रॉब्ड मी इन दोज हु हावर सच थॉट्स हेटर नैवर अपीज्ड कि जड़ा कहिंदा कि उन्हें मैनू लुट लिया मैनू गाल कढ़ी मैनू हरा दिता अगर वो लोग अपने दिल के मन के गल्लां रखते आ उन्हां दा कदे भी जिहड़ी बैर आ वो शांत नहीं हुंदा उहदे नाल किद्दां हुंदा तथागत भगवान बुद्ध नाल ये भी दसदे आ वो नाल दसदे आ कि अकोची मंग अवधी मंग अजिनी मंग अहासी में जे तंग ना उप निहांती बैरंग तेसु पसमती कहिंदे आ कि उन मैनू गालां कढ़िया उन मैनू कुटिया उन मैनू हरा दिता उन मैनू लुट लिया जिन्हां दे मनां दे विच इहो जिहे जिहड़ियां विचारां नहीं आउंदियां तां उह हमेशा शांत हो जांदे हन उन्हां दी दुश्मनी बैर भावना ईरखा भावना खत्म हो जाती है। तो तथागत सानूं समझाउंदे हन इस गाथा दे विच। थैंक यू अंते जी अपने सुमन साहब भुतम विच दान देण दी जिहड़ी आ महत्ता वह बहुत वड्डी महत्ता है बारे की दसना तथागत भगवान बुद्ध ने बहुत सोहना सवाल पूछा कि दान जदों असी दस पारमता की गल करते हैं शील ते दान इहदी बहुत महत्ता दान दी सब दानंग धम्म दानंग जिनाती तथागत भगवान बुद्ध कहिंदे आ कि सारे दाना नालों धम्म दा दान जिहड़ा आ उत्तम है सब तो उपर है ये बराबर कोई दान नहीं। तो अज जो अज साडे इस प्रोग्राम की सेवा ली है साडे परगण मल जी ने
ਤਾਂ ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਟਸ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਧੰਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਾਨੰਗ ਧੰਮ ਦਾਨੰਗ ਜਿਨਾਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥੇ ਦਾਨ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਥਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦਾਨੰਗ ਦਦਿਆੰਤੂ ਸਦਾਇ ਸ਼ੀਲੰਗ ਰਖੰਤੂ ਸਭਦਾ ਪਾਵਨਾ ਵਿਰਤਾ ਹੋਂਤੂ ਗਸ਼ਾਂਤੂ ਦੇਵਤਾ ਗਥੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੁੱਧਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਸ਼ੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਤੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਲੇ ਲੋਕ ਦੇਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਮ ਆ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਧੰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਗੱਦ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਮ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਮ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਖਦੇਵ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਮਨ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੁਮਨ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੁਮਨ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਨ ਦੇ ਪੰਧੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਮਨ ਸਾਰੇ ਸੁਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਣ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਲੋਟਸ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਮਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਅਤੇ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੁਮਨ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭੇ ਸੰਖਾਰਾ ਨਿਚਾਤੀ ਜਦ ਪੰਨਿਆ ਪਸਤੀ ਅੱਥ ਨਵਿੰਦਤੀ ਦੁੱਖੇ ਐਸਾ ਮੰਗੋ ਬਸ਼ੁੱਧੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ
एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणंग भी दुखंग, इस ये सारे दुख है, लेकिन एक एक कुदरत का कानून है कि एक दिन हर एक ने जाना है, मौत का कोई इलाज नहीं। इस तरह के तथागत भगवान बुद्ध अपने सल सूत दे विच कहिंदे आ, ना ही उपकमो अथी जेन जाता नाम ईर जरअंपी पतवा मरणंग एवं दम्मे ही पानी नो, के मौत का कोई इलाज नहीं। ये कदे हो ही नहीं सकता कि जिन्हें एक जन्म लिया आ तो वह मौत नू प्राप्त ना हो, बुढ़ापा ना हो, बुढ़ापे तो बाद बीमारी, बीमारी तो बाद मौत, तो उन्हें वो थोड़े चिर लई बीमार रहे, तो यही सारे मनुखा दे नाल ही हुंदा, सारे प्राणियों नाल हुंदा, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो एक बार फिर सारे सुमन पुरा दे नाल दुख दे कड़ी विच सांझ करदा होया बहुत बहुत अफसोस। इस नाल ही दो तीन फोन आए मूर्तिमल भजनमल के परिवार वालों, परगनमल के पोते और संजय की कुड़माई दी फुल मुंडे दी बधाइया, आंटी नंजो रत्तू जी दी वालों फुल मुंडे दी बहुत बहुत बधाइया, सोढ़ी राम जस्सल ते कमलेश दे परिवार वालों फुल मुंडे दी बहुत बहुत बधाइया, अमिता कौलतार दर्शना कौलतार जी वाले परिवार वालों बहुत बहुत बधाइया। तो जिस तरह सुमन साहब आप गल कर रहे थे वर्षाबाद की बात, तो उस तो बाद कठीना का त्यौहार आता है जी, जी, इस साल जी, जी, ये कठीना का त्यौहार थोड़ी परिवार वालों मनाया जा रहा है, तो इस साल की सेवा साढ़े परिवार वालों ली गई है। अक्तूबर के एंड थोड़े नाल जो डेट कठीना की आप साझी करा, तो मैं सब नूं बेनती करदा कि सारे आप रल मिल के इस बहुत ही बड़े त्यौहार में खुशियां दे नाल धूमधाम नाल मनाइए, तो मेरा जरूर साथ देवो सुमन परिवार का, तो जिन्होंने चीवर दान करना, तो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मैंबर साढ़े तरसेम कौल जी नूं तुसीं अपना नाल लिखा सकते हो। हाँ जी, तो इहदे नाल ही मैं आप जी नूं फिर एक बार बेनती करदा हाँ कि जिस तरह तुहाडा साढ़े प्रोग्राम के बारे तुसीं की सोचते हो, जो साढ़े फोन दे उत्ते साढ़े दीश दादरा जी सन, तो उन्होंने तुम दस सकते हो, कोई लिख कोई मैसेज दे सकते हो। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोग्राम के समाप्ति तो पहला साढ़े मानयोग दीश दादरा जी हुणा का बहुत बहुत धन्यवाद दी हाँ, गौतम रत्तू जी हुणा का बहुत बहुत धन्यवाद दी हाँ, जो कि उन्होंने एफर्ट तो बिना यह प्रोग्राम असंभव है। बिल्कुल, तो अभी उन्हों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, असी तय दिलों शुक्रगुजार हाँ। थैंक यू वेरी मच। हुण साडे प्रोग्राम दा जिहड़ा वक्त है वो खत्म हो रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रभु भारत।